देखने को मिला है कि पहले तो नंबर कम आ रहे थे, अचानक से एग्जाम के दिन बहुत ज्यादा आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नहीं, जिसके नंबर पहले से ज्यादा आते हैं उसी के नंबर ज्यादा आते हैं। थोड़ा सा एकदम पर्टिकुलर होके करो। पर्टिकुलर होके करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अनआंसर्ड नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिजिक्स में ये रहता है स्कोर करने का कि भाई कोई भी कंसेप्ट वगैरह जो है वो ऐसा उसमें आपको डाइसी नहीं होना चाहिए। एकदम पक्का पता है मुझे इस बारे में, ऐसा है ना, वन आंसर नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई फालतू की चीजों के बारे में सोच रहे हैं और हर चीज का आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में आया, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, उसमें आपको प्लस माइनस नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरी तरह से नहीं आया, ऐसा नहीं। जो भी चीज आ रहा हो अच्छे से हो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो उसी को अगर आप करोगे ना हर एग्जाम के थ्रू, तो आपको धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आप कर ही लो। बात जो आपको पढ़ना है ना, यू हैव टू स्टडी द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना। कि आज जो हम पढ़ेंगे, विल स्टडी द रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना, स्फेरिकल सरफेस। भाई अब तक हम रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे थे वो प्लेन सरफेस से पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे कि अगर प्लेन सरफेस के बजाय स्फेरिकल सरफेस होगा तो उसकी हम बात करेंगे। जब आप रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। ये आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो यहाँ पे जस्ट हम ऐसा बोलेंगे कि सपोज ये किसी दो मीडियम की यहाँ पे बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स जो कि प्लेन की वजह स्फेरिकल है। इसके लेफ्ट साइड पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, मिनिमम है, और राइट साइड पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, जो कि आपका मिनिमम है। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ पे सी ले लिया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है, और इसको हम बोलते हैं पोल। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस को कोट करती है, वी कॉल इट एज अ पोल। तो ये इसका पोल है कि दो मॉनोमियम की बाउंड्री स्फेरिकल है, ऑफ रेडियस आर उसका सेंटर आ गया, और जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही हो, क्या हो गया, पोल। आपको ये तो करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने इसके सामने प्लेस किया, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे फाइनाइट ऑब्जेक्ट, यहां से एक कोई रे ऐसे जाएगी, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन लाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और हो सकता है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाए, है ना। और इस जगह पे क्या चीज फॉर्म हो जाएगा, सर, ये आपका इमेज, है ना, कि जहाँ ये ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया, सर, ये आपका इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो लेंगे वो आपका यू हो जाएगा, एंड जो इमेज की आप डिस्टेंस लोगे वो कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो आपको यू वी में ही तो रिलेशन निकालना है। यू वी और में जो रिलेशन होता है वही आपका मेन फॉर्मूला होगा। कोई भी स्फेरिकल सरफेस जो होगी उसको इसी फॉर्मूले से हम एड्रेस कर सकते हैं, है ना। और बाद में उसी में हम साइन कन्वेंशन क्या करेंगे, एलसीएस हम इस यूज कर लेंगे इसके। तो सबसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो आपको पता है ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया आर, और ये एंगल को आप अल्फा डिफाइन कर लो, ये वाला एंगल आप कोई बीटा ले लो, और ये वाला एंगल आप कोई थीटा ले लो, और ये कोई पॉइंट आपने ले लिया ए जहां पे रे इंसिडेंस होगी। कोई भी आपने रे लिया है वो इंसिडेंस होगी इसी ए पॉइंट पे, बोल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल यूज कर लेंगे। तो आपको पता है जो आर होगा इन दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल, सॉरी जो आई है ये इन दोनों के लिए क्या है, आपकी एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई की जो वैल्यू होगी वो थीटा प्लस अल्फा, और इस आर और बीटा का ये थीटा एक्सटीरियर एंगल है। तो हम थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस बी, सिंपल सा, कि भाई जो आई है वो अल्फा प्लस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और जो आर एंड बीटा का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सभी आपके थीटा। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पे लगा, तो यहाँ से आपके ये इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन तो आपका ये आ गया। यहाँ से अगर थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से लिख दें, तो पहले केस से थीटा की वैल्यू जो आई है वो आई माइनस अल्फा, या दूसरे केस से थीटा की वैल्यू जो आई है वो आर प्लस बीटा आ गई, और पहले केस से जो थीटा की वैल्यू आई है वो आई माइनस अल्फा, ये आप लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, आगे प्रोसीड करने से पहले पहले वाले इस इक्वेशन को आप म्यू वन से मल्टीप्लाई करो पूरे को, है ना, ताकि हम स्नेस को अप्लाई कर पाए, और इस पूरे को आप म्यू टू से मल्टीप्लाई करो। तो अल्टीमेटली यहां से आ जाएगा, जरिए आपका म्यू टू इंटू थीटा इक्वल टू आपका जाएगा म्यू टू इंटू आर प्लस म्यू टू इंटू बी, और इसको आपने म्यू वन से मल्टीप्लाई कर दिया,
ये आपका हो गया म्यू वन इंटू थीटा, म्यू वन इंटू आई माइनस म्यू वन इंटू अल्फा, ये आपने लिख लिया है ना। तो दो इक्वेशन आपके आ गए, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। अब यहां पर थोड़ा सा रखना कि जब आप स्नेल्स लॉ लगाओगे इन दोनों सरफेस के बीच में, तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन एक हो जाएगी कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू टू साइन आर, म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू टू साइन आर, ये आपका म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो गया। और आपको पता है जो भी हम रेज ले रहे हैं वो पैराएक्सियल रेज ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम रेज ले रहे हैं कौन सी रेज है, पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज, जो भी आप रेज ले रहे हो सारी रेज कैसे हैं इसकी आपकी पैराएक्सियल। तो अगर पैराएक्सियल होगा तो साइन आई की जगह पे आई लिख सकते हैं हम, म्यू वन इंटू आई हो गया, और साइन आर की जगह पे आर आप लिख दो म्यू टू इंटू आर हो गया। तो पैराएक्सियल रेज के लिए म्यू वन इंटू आई किसकी हो जाएगा म्यू टू इंटू आर, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू म्यू टू बल्कि ट्राई किया ताकि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे, हां ये वाला टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मी वन आई किसके इक्वल है आपके म्यू टू आर के, और यहां पे आपका आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू थ्री इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया म्यू टू इंटू बीटा प्लस म्यू वन इंटू आर, है ना। और आपको ये सारे एंगल आपकी स्मॉल इतना है, भाई सारे एंगल स्मॉल है तो टेन अल्फा और अल्फा सेम होंगे ना, टेन अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ से आप देखो आप थीटा की जगह पे पुट कर सकते हो म्यू टू माइनस म्यू वन, थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं एपी बाई आर, आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, क्योंकि थीटा टेन थीटा सेम होंगे और वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस एपी बाई आर। आप म्यू टू इंटू बीटा लिख सकते हो एपी बाई बी, है ना, और म्यू वन इंटू अल्फा आप ले सकते हो एपी बाई बी, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी इमेज डिस्टेंस और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से स्फेरिकल सरफेस का क्या हो जाएगा कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से एपी हर जगह पे कैंसिल। अल्टीमेटली आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि भाई म्यू टू बाई वी प्लस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, है ना, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया म्यू टू बाई वी माइनस प्लस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है ना, ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए किया, अगर आप कॉन्केव सरफेस के लिए करोगे तो कुछ अलग सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए आपको कुछ साइन का चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं जो कि सबके लिए वैलिड हो, है ना, सब थोड़ी हम अलग अलग फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। जैसे आपने मिरर में पढ़ा तो जो भी स्फेरिकल मिरर था सबका फॉर्मूला सेम था, वैसे ये भी फॉर्मूला आपको हम सेम करना चाहते हैं कि भाई कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो इसको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करने के लिए ना, वैसे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ साइन प्लस आया है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे जैसे कि आपको यहाँ पे माइनस कर देंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी माइनस। तो सिंपल ध्यान रखना अभी मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर दूँ, ये फॉर्मूला को कार्टेशियन से कंपेटेबल बनाने के लिए जस्ट हम एक यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो फिर किसी भी तरह के सर्फेस के लिए वैलिड होता है। जस्ट आपका मेन जो फॉर्मूला आ गया उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, भाई मेन जो फॉर्मूला आ गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये मेन फॉर्मूला है। जब भी आपका सरफेस प्लेन की बजाय स्फेरिकल हो तो हम इस फॉर्मूले को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे, है ना, भाई फॉर्मूला ड्राइव करते तो बीच में प्लस साइन होगा, तो इसको कार्टेशियन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए माइनस साइन क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सबसे मेन फॉर्मूला कि जब भी किसी दो सरफेस बाउंड्री प्लेन की बजाय स्फेरिकल है तो उस फॉर्मूले को यूज करके ऑब्जेक्ट और इमेज को हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अलग फॉर्मूला आ गया, भाई सेम फॉर्मूला प्लेन सरफेस के लिए भी आ जाएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को प्लेन के लिए यूज करूं फॉर प्लेन सरफेस, है ना, तो आपको आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हम प्लेन के लिए यूज करें तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं इनफाइनाइट ले लूं तो आप देखो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो यहीं से तो आ जाएगा वो जो आप पहले पढ़ते थे कि इसको अगर आप किसी प्लेन सरफेस के लिए यूज कर लो, है ना, तो आर की वैल्यू आप इनफाइनाइट ले लो, आर अगर इनफाइनाइट लेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, आपकी वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, ये वी की वैल्यू जो आ जाएगी इधर ले जाएंगे हमसे तो वी की वैल्यू आ जाएगी म्यू टू बाई म्यू वन इंटू यू, है ना, वही है।
एक्चुअल एंड अपरेंट डिस्टेंस, यू इसमें एक्चुअल डिस्टेंस है, बी अपरेंट डिस्टेंस, तो एक्चुअल एंड अपरेंट डिस्टेंस वाला रिलेशन आ गया, ये v इक्वल टू μ2 / μ1 into u आ गया। वही चीज है कि अगर एक बार ये फॉर्मूला आपका आ गया तो सरफेस अगर प्लेन भी है तो जस्ट आपको r इंफिनिटी पुट करना है। अब यूज आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला जो यूज करना है यही फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे कि आपका फिक्स हो रिफ्रेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। तो ये तो मैंने निकाला है रिलेशन इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए, जस्ट एक फॉर्मूला मैंने इसमें क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। यहीं पे हम आते हैं मैग्निफिकेशन पर, यहां में आए बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। जब भी कोई इस तरह से बाउंड्री चेंज होगी तो ये आपको प्लेन सर्फेस से कभी कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता, जब भी कोई प्लेन सर्फेस होगा ना तो उसके थ्रू मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा वन होता है ना, सेम साइज की इमेज प्लेन सर्फेस में, प्लेन स्फेरिकल सर्फेस में साइज चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, वी कैन टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन को हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे सेम आपको सर्फेस ले लो, इस तरह से हमने दो मीडियम की यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे कि आपकी बाउंड्री ऐसे ले ली, ये आपके दो मीडियम की क्या है, जैसे कि आपकी बाउंड्री रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू, और यहाँ पे आपने पॉइंट की बजाय कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ऑफ साइड एच नॉट, तो इसकी इमेज बनती है ना, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन फॉलो करके यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज बन गई, हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो एच आई होगी, है ना, एच नॉट और एच आई का रेशियो ही तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा स्फेरिकल सर्फेस में, ये अभी हम कोई लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो सिंपल सा है कि दो सर्फेस की बाउंड्री प्लेन की बजाय स्फेरिकल होगी, है ना, लेंस तो एक अलग चीज होगी, इन लेंसेज अलग चीज होगी। तो जब मैग्निफिकेशन में आप लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा एच आई बाई एच नॉट, है ना। अब एच आई बाई एच नॉट को हम यू और वी में रिलेट करना चाहते हैं, ये डिस्टेंस अगर यू है, ये डिस्टेंस अगर वी है, तो वी और यू में क्या रिलेशन होगा, तो वो आपका आ जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो आई की वैल्यू होगी वो एच नॉट बाई यू हो जाएगी, और जो आपका आर की वैल्यू होगी वो एच आई बाई वी हो जाएगी, है ना। तो यहां से हम पुट कर सकते हैं कि जो एच आई होगा ये आपका हो जाएगा वी इंटू आर, और जो आपका एच नॉट होगा वो आपका हो जाएगा यू इंटू आई, है ना। और स्टिल आर और आई को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि अगर पैरेक्सियल रेज है तो म्यू वन आई किसके पर हो जाएगा, जैसे कि आपके म्यू टू आर, है ना, म्यू वन साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके म्यू टू इंटू आर की। तो यहां से जो आर और आई का रेशियो होगा, है ना, ये आपका म्यू वन बाई म्यू टू के इक्वल हो जाएगा, इसको आप यहाँ पुट कर दो, है ना, इस जगह पे। तो अल्टीमेटली आपका आ गया कि इसको हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वी बाई यू इंटू म्यू वन बाई यू। तो मेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ, जब भी आपसे स्फेरिकल सरफेस में मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी v बाई यू इंटू म्यू वन बाई यू, क्या है ना, स्फेरिकल सरफेस में अगर हम बात करें तो किसके टू हो जाएगा, आपका चल जाएगा, ऑब्वियस बात है जब प्लेन सरफेस होगा तो v और u का रेशियो मी टू बाई म्यू वन होता है, तो जब v और u का रेशियो हम मी टू बाई म्यू वन यहाँ पे करेंगे तो मैग्निफिकेशन वन हो जाएगी। कभी भी प्लेन सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई या डीमैग्नीफाई नहीं करता, सेम साइज की इमेज बनती है, लाइक प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज बनती है। लेकिन स्फेरिकल सरफेस होगा तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला v बाई यू इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू। अब इसमें ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि म्यू वन किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, म्यू टू किसका होगा। तो वो चीज ये है कि म्यू वन हो जाएगा रे की डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू वन क्या हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ द रे, इन द रे डायरेक्शन, है ना, रे के डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू वन। और जो म्यू टू होगा दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन रे डायरेक्शन,
डायरेक्शन कि रे डायरेक्शन में जो फर्स्ट मीडियम होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा म्यू वन है ना, और जो सेकंड मीडियम होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा कि आपका सेकंड मीडियम। जस्ट दो ही फॉर्मूला है, एक मैग्निफिकेशन का और एक यू और वी रिलेटेड। और जब भी हम इसको यूज करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कार्टेशियन साइन डायमेंशन के, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको लिख लो फिर साहब। आपका गैस है से, राइट। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको जो है ना इसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है ना, कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है सॉल्व। तो काफी कंसेप्चुअल चीज है, इसी को फर्दर हम जब मॉडिफाई करेंगे तो उसको हम लेंस लेंगे है ना, कि लेंस से अलग चीज है। अभी तो जस्ट एक दो स्फेरिकल सरफेस की बाउंड्री कैसी हो सकती है आपकी स्फेरिकल। तो जस्ट आई विल गिव वन क्वेश्चन है ना, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा अटेंड करो। हाँ इसको सॉल्व कर लो जरा सा। ये डायग्राम को आप इग्नोर करना, डायग्राम कुछ अलग सा बना हुआ इसमें।
हाँ, कृतिका, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, रे डायग्राम करेक्ट नहीं है बेटा, वो तो मैंने पहले बोला, रे डायग्राम को आप इग्नोर कर, जस्ट इन जो रे डायग्राम है इसको आप इग्नोर कर दो, तो कुछ ऐसे ही बनाऊंगा। हाँ, विदुषी सही आंसर है आपका, विदुषी, योर आंसर इज करेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्मड इन द ग्लास। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो है ना, इसका जो आंसर है वो 1 सेंटीमीटर, इनफैक्ट -1 सेंटीमीटर, हाँ, इन्वर्टेड इमेज बनेगी 1 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दो कि इसने ये दिया हुआ है कि ये जो आपका पूरा केस है वो आपको इस तरह से है कि है ना कि भाई ऑब्जेक्ट का हाइट 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो 0.5 है ना, यू डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ना, यू जो प्लेस है वो कहाँ प्लेस है, जैसे कि आपका है ना 30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना, जैसे कि आपका 10 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला यूज कर लो कि भाई रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, रे कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास में, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, तो इसी के अकॉर्डिंग तो μ1 μ2 होगा, μ1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और ग्लास का μ2 जो हो जाएगा वो 1.5। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैं लिखूंगा μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निकालना है, तो आपको सेकंड मीडियम तो आपने 1.5 है, वी तो अननोन है तो निकालना है आपने, भाई वो वी आएगा तभी तो मैग्निफिकेशन आएगा, माइनस μ1, μ1 की वैल्यू जो है वो 1 है और u -30, तो रे अगर ऐसे जा रही है डिस्टेंस ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू μ2 -μ1, 1.5 -1 इनटू r हो जाएगा। अब r भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको तो अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा ना, यहाँ पे जब आप r यहाँ से मेजर करोगे तो राइटवर्ड ही तो जाओगे, r इधर कहीं, तो ये सब चीजें हम पोल्स में मेजर करते हैं, तो पोल से स्टार्ट हुए लेफ्टवर्ड गए, रे के अपोजिट, तो माइनस कहेंगे, पोल से स्टार्ट हुए राइटवर्ड गए तो आर के अलोंग ही तो गए, रे के अलोंग, तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बी निकाल लें, इसको सॉल्व करके आपकी इमेज डिस्टेंस आ जाए,
इसको सॉल्व करके क्या जाएगा सके आपका इमेज डिस्टेंस। आपका इमेज डिस्टेंस क्या रहा बेटा, इमेज डिस्टेंस बताओ जिसने आंसर सही निकाला था। सर 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर बी जो होगा वो 90 सेंटीमीटर पॉसिबल, बोले 90 सेंटीमीटर बन जाए। इसके बाद अभी आपने पढ़ा मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि आपको पता ही है इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 1 डिवाइड बाय 3 बाय 2 इनटू v बाय u। v तो 90 है, अब u साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस करते है ना, तो यहां से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी ना वो आपकी माइनस 2 है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज अगर इन्वर्टेड बनती तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो आपको हाइट ऑफ द इमेज आ गया, हाइट ऑफ द इमेज 0.2 इनटू माइनस 2 मींस माइनस 1 सेंटीमीटर। इमेज की जो हाइट होगी वो माइनस 1 सेंटीमीटर होगी। तो कहीं पे भी आपको साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो साइन कन्वेंशन में मिस्टेक करेंगे फिर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। सर पीसी ही नॉर्मल है तो फिर रिफ्रैक्टिव रेट थोड़ी नॉर्मल की तरफ नहीं होनी चाहिए। हाँ वो मैंने भी ऐसे लूज ही बना दिया, मैं ये जो सेल्स मैंने इस तरह से लूज ही बना दिया है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा होगा अगर ये पीसी नॉर्मल है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा हाँ, लेकिन सिंगल रे से तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा नहीं ना, तो आपको कोई और भी ले लेंगे इस तरह से और भी रे ले लेंगे है ना, इस तरह से आपका ये टुवर्ड्स द नॉर्मल फिर से बैंड हो जाएगा है ना, तो इधर जाके कहीं पे यहाँ पे एक रियल इमेज बन जाएगी इनमें, यहाँ पे क्या बन जाएगी जैसे आपकी रियल इमेज इन्वर्टेड है ना, जो कि इनलार्ज्ड होगी है ना, रियल इमेज बनेगी, जो इमेज है वो रियल होगा और इनलार्ज्ड बन जाएगा है ना, इसका समझ सकते हैं। रेडियोग्राम में टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बैंड होगा, सीधे नहीं जाएंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा वो बैंड होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली रे डायग्राम उतना नहीं बनाते तो हम डाटा से निकाल लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना शो करता हूँ है ना, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको शो करूंगा। एक्चुअली क्या है ना ये भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक इस तरह से हेवी स्फेरिकल ग्लास का सर्फेस है ना, यहाँ पे क्या है सकते आपका हेमिस्फेरिकल ग्लास का सर्फेस, हेमिस्फेरिकल सर्फेस ऐसा है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 1.5 दिया हुआ ऑफ रेडियस ऑफ है ना, आपको कि अगर कोई लार्ज डिस्टेंस से रेज आए है ना, कि रेडियस इसका कितना है सकते आपका आर है, रेडियस कितना है आपका आर है ना, तो अगर कोई पैरेलल रेज आए इस तरह से तो आपको पैरेलल रेस पहले नॉर्मल की तरह बैंड होगी ऐसे एक बार बैंड होगी और फिर नॉर्मल से अभी बैंड होगी और फाइनली यहां पे कन्वर्ज होगी इस पॉइंट है, एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी फिर नॉर्मल से अभी बैंड होगी और यहां पे कन्वर्ज होगी, तो आपको ये बताना होता है कि ये जो जहां पे ये फाइनली कन्वर्ज होनी है ये डिस्टेंस एक्स कितना होगा, फाइंड आउट एक्स इस केस में फाइनली जो कन्वर्ज हो रही है ये आपका क्वेश्चन टू है, फाइंड आउट एक्स कितना है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है ये आपको तो चेक करो क्या आप देखो, दो बार रिफ्लेक्शन होगा एक बार पहले फिर उसके बाद दोबारा फिर से, और पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसे वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना
सर 2 आर पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसका आंसर पता नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे इसमें। आपके पहले आप लिख लो आपका जो आंसर है। और वैसे मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है, चेक करते हैं दोबारा। अच्छा 2 आर ही आ रहा है क्या? काफी लोगों का 2 आर आ रहा है, वरीशा, विदुषी, चेक करता हूँ एक मिनट सर। अगर 2 आर आ रहा है तो चेक करते हैं, दो लोगों के आंसर 2 आर आ रहे हैं, एक मिनट में चेक करता हूँ। मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं। अच्छा कृतिका आपका डिफरेंट आ रहा है, चलो चेक करते हैं। आपका 4 आर बाई 3 आ रहा है, तो 2 आर एंड 4 आर बाई 3 में से कोई एक आंसर होगा, है ना। चेक कर लेते हैं, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे हम, है ना। किसको जब सॉल्व करोगे, देखो पहले आप बात करो फर्स्ट सरफेस की, हमेशा ध्यान कि जिस भी सरफेस की आप बात कर रहे हो उसका पोल कौन सा है। तो जिस सरफेस से हम रिफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं उसका पोल यहाँ पे है ना, और रे जो जा रही है वो एयर से
ग्लास में जाना है, तो मी वन मी टू इसी के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, म्यू टू बाई बी, म्यू टू तो 1.5 हो गया, बी तो मुझे निकालना है, माइनस मी वन बाई यू, वन बाई पैरेलल रेज मतलब इन रेज इनफाइनाइट से आना, इक्वल टू म्यू टू माइनस मी वन बाई आर, 1.5 माइनस 1 बाई आर, है ना, इसका सेंटर राइट वर्ड होगा मतलब आर पॉजिटिव होगा इसका, है ना। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो वी की वैल्यू आएगी ना वो आपकी 3 आर आ जाएगी, लेकिन इधर में ये फाइनल इमेज नहीं है, मुझे 2 आर आप आंसर दे रहे हो इसी के चक्कर में ले रहे हो, कि वो आपको बोल रहा है भाई इस तरह से रे, अगर ये सरफेस नहीं होता तब तो सही था, पूरा अगर ग्लास होता तो रे ऐसे बैंड होती और सीधे जाके कहीं पे यहाँ पे, है ना, कि अगर ये सरफेस नहीं होता दोबारा बैंड नहीं होती तो सीधे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे एक इमेज बन जाता और वो डिस्टेंस ही आपने निकाला है 3 आर, उसकी जो डिस्टेंस होगी पोल P1 से वो 3 आर है, तो अगर वो डिस्टेंस 3 आर है तो उससे आर माइनस करेंगे तो 2 आर आ जाएगा, ये 2 आर आंसर नहीं है, क्योंकि ये फाइनल इमेज थोड़ी बन रहा है, रे दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो आई डैश होगा ये अब एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, पहले की जो इमेज थी वो सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए कैसे वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ हम बोलेंगे आई डैश वर्क एज ए ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, और अब रे कहां से कहां जा रही है, अब ग्लास से एयर में जा रही है, अब रे कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम ग्लास से एयर, पहली चीज ये, अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका पोल कौन सा है, उसका पोल P2 हो गया, जो सारे डिस्टेंस लेंगे वो इस पोल P2 से होगा, ये डिस्टेंस अगर 3 आर है तो ये वाले P2 से डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आपकी 2 आर बन जाएगी, है ना, ऐसा मैसूम करते हैं एक्चुअली, तो ये बात फॉलो करनी है, जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे बैंड नहीं होती तो सीधे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, वो डिस्टेंस 3 आर है, उसकी P2 से डिस्टेंस कितना हो जाएगी 2 आर, तो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अब सेकंड मीडियन जो हो गया 1, फाइनल बी मुझे निकालना है, माइनस फर्स्ट मीडियम 1.5 हो गया, बाय यू जो होगा ना, अब इस P2 से मेजर करेंगे, तो P2 से जब मैं इमेज के इसकी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, तो रे के अलोंग ही जा रहा हूँ, मतलब ये 2 आर पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू मी टू माइनस मी वन, 1 माइनस 1.5 बाय आर, क्योंकि ये सरफेस तो प्लेन है ना, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आ गया आपका वो 3/4 है ना, तो फाइनल आंसर जो P2 से आ गया वो 3/4 है ना, ये चीज तो 3/4 आ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो 3/4 आ रही है ना, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितने जाएगा सभी आपकी 3/4 आंसर, आंसर उसका 3 आर, दो स्टेप पे करना होगा, दो बार बैंड हो रही है, दो स्टेप पे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर, तो इसी तरह से हम सिस्टमैटिक करेंगे कि पहले की इमेज दूसरे के लिए कैसे वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, है ना, और जो जिस रिफ्लेक्शन का पोल है सारे डिस्टेंस हम उसी पोल से क्या करेंगे मेजर से करेंगे, 4 आर बाई 3 आएगा, 3 आर बाई 4, 4 आर बाई 3, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जगह से आपका 4 आर, इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हाँ, इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कि आपका, अच्छा इन्वर्टेड भी होगा 4 आर बाई 3 होगा, क्या कैसे सॉल्व करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं इसमें, इसी तरह से आपको क्या करना है फाइनली बेसिकली आपको सॉल्व करना है ना, तो ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, कि जब प्लेन सरफेस के बजाय रिफ्रेक्शन इस तरह से होगा तो कैसे कर सकते हैं इसे, तो 4 आर बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन है एग्जाम में, फाइनल रे पैदा हो गई। आपका सही है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका मुझे समझ आया अभी।
रिवर्सिविटी ऑफ रेज यूज करो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटीज ऑफ रेज यूज करोगे तो सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। सही बात। हाँ सही बात है, पुलकित आपका आंसर बिल्कुल सही है, योर आंसर इज करेक्ट। चलो अच्छा हुआ इसको सॉल्व करने से बच गया मैं। इसमें ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दो ना कि दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हैं भाई। इसमें पैरेलल रेज जब आती है तो एक बार बैंड रही दोबारा बैंड रही 3/4 पे कट करती है, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज क्या बोलता है? अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूँ ऐसे, तो रेज सेम पाथ से वापस चली जाएगी। ये तो होता है कि रे की डायरेक्शन अगर हम रिवर्स करते हैं तो जिस पाथ में आई उसी पाथ में वापस चली जाएगी। तो वही तो क्वेश्चन है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज से यही तो बोल रहा है कि पैरेलल रेज आपके यहाँ पे तो करती है, वापस करेंगे तो वापस से रे क्या हो जाएगी पैरेलल रेज। तो इसका आंसर अभी आपने 3/4 निकाला है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम केस ही तो है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा कि आपका 3/4 हो जाएगा ना, ये वाला जो केस होगा ये भी क्या हो जाएगा कि आपका 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 होगा मतलब एम की वैल्यू 3/4 है ना, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 आ जाएगी। दैट्स ऑल है ना, आप सॉल्व भी करोगे तो यही है, अगर आप एक एक करके स्टेप वाइज सॉल्व भी करोगे तो 3/4 ही आंसर है, आंसर 3/4 इसका सही है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सिबिलिटीज ऑफ रेज जो है ना ये काफी केस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। चलो ये ठीक क्वेश्चन है, ये बोला गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक तरफ आपने पॉलिश कर दिया है, मिरर बना दिया है,
इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप देखना जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले आप थोड़ा ट्राई कर लो, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करोगे तो सारा जो आज हमने पढ़ा वो आपको आ जाएगा। चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को ना, काफी टाइम लग जाएगा आपको इसको सॉल्व करने में, एक्चुअली है ना कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 60 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ वो सही है, वो सही आंसर है, सही आंसर है वो आपका, ठीक है सर। है ना, वो सही आंसर है। ओके आई एक्सप्लेन दिस, है ना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो ये क्या होगा, 60 सेंटीमीटर वाला आपका सही आंसर है ना, इसकी रेडियस आपको दी हुई है ना, इस क्वेश्चन में आपको रेडियस जो दी हुई है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है ना। तो देखो वन बाय वन हम आते हैं, पहले पोल ए वन पी वन है और रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, पहले हम फर्स्ट सर्फेस से इमेज बनाते हैं कहाँ बनेगी, है ना, रेडियस इसका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, वो बाद में यूज होगी, पहले इमेज बना लेते हम कि भाई म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर होगी, है ना, तो इससे वी जो आएगा ना वो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा पहले सर्फेस के, पहला इवेंट हो गया, कई सारे इवेंट होंगे इसमें, तो
पहले सर्फेस से जो इमेज बनेगी वो 180 में बनेगी। 180 मतलब ये रे यहाँ से बैंड होगी ऐसे, अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये रे आगे चले जाती है और यहाँ पे कहीं पे ये इमेज बनाता आई डैश पे, है ना। और ये डिस्टेंस आपकी पी वन से जो आई है वो 120 सेंटीमीटर याद है, है ना। लेकिन आपको बीच में मिरर आ गया तो मिरर से रे क्या होगी, जैसे कि आपकी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, मिरर से जो रे होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी आपकी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पे इमेज बनेगी, आप मिरर वाला देखो, सेकंड जो आ गया वो रिफ्लेक्शन आ गया भाई, मिरर में क्या होगी रिफ्लेक्ट हो। और ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, ये पूरा 120 है, ये 80 है, ये 40 सेंटीमीटर, और इसकी जो डिस्टेंस लेंगे हम पी टू से लेंगे, है ना। तो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो आपको निकालना है, अब u जो होगा ये तो होगा डिस्टेंस 40, 1/40 आ गया, और फोकल लेंथ उसका नेगेटिव होता ही है कॉन्केव सरफेस का, r/2 हो जाता है, 1/-20 हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ इसका जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा। इससे हम v निकाल लेंगे, तो इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे, जैसे कि आपका v, तो v की वैल्यू आप देखो कितनी आ गई है, है ना। इससे भी कितना जाएगा आपका, -1/20 1/v की वैल्यू, है ना, -1/40, है ना, कि -1/20 इनटू -40 आएगा। मेरे ख्याल से ये आपका जो आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3/40, मतलब v की वैल्यू -40/3 आ, है ना, कि v की वैल्यू -40/3 आ जाएगी। कैलकुलेशन स्टेप नंबर बताना मुझे, -40/3 का मतलब ये हो गया कि जब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे कहीं पे ये आई डबल डैश बनाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये 40/3 होगी, लेकिन ये अभी फाइनल इमेज नहीं है क्योंकि रे फिर से रिफ्लेक्ट होके फिर से यहाँ पहुंचेगी ना, रे फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंचेगी आपकी, तो फिर से नॉर्मल से अवे बैंड होगी, है ना, कि फाइनल इमेज के लिए रे फिर से रिफ्लेक्ट पहुंचेगी तो फिर से नॉर्मल से ये अवे बैंड हो जाएगी, है ना, किस तरह से नॉर्मल से आपकी अवे बैंड हो जाएगी ऐसे, है ना। और आपको पता है ये जो इमेज होगा अब इस रिफ्लेक्शन के लिए कैसे वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट, लेकिन कारण क्या, अब जो रेज आ रही है वो ग्लास से एयर में जा रही है, थर्ड इवेंट में फिर अब रे जो है वो ग्लास से में चली गई एयर से, फिर से ग्लास से एयर में चली, फिर से आप फॉर्मूला लगाते हैं, जब मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा मेटू बाई वी, 1/v -1.5/u, यू डिस्टेंस आप ध्यान रखना, अब जो आप डिस्टेंस लोगे वो इस पी वन से लोगे, ये वाली, है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 80 -40/3 होगी, है ना, तो भाई 80 -40/3 हो जाएगी, तो ये आपका -200/3 आ जाएगी, क्योंकि देखिए अपोजिट है, यहाँ पे आपका आ गया -200 मतलब ये हो गया, ये तो इधर चलेगी, इधर तो कहीं पे कट होगा नहीं, इसको अगर हम पीछे ले जाएं यहाँ पे फाइनल इमेज, मतलब ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको इमेज यहाँ दिखेगी, और -100 जो होगा वो पी वन से, ये आपका 100 सेंटीमीटर आ गया। तो पी वन से 100 सेंटीमीटर मीन्स इसके सेंटर से 60 सेंटीमीटर में बन जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज द 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, लेफ्ट ऑफ सेंटर, भाई सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी 60 सेंटीमीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार हम एक रिफ्रेक्शन भूल जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने कई क्वेश्चंस करवाया भी है कि जाते हुए भी हुआ फिर वापस मिरर से आते हुए हुआ,
उसमें भी ऐसे ही होगा, एक बार बेंड हुई, रिफ्लेक्ट हुई, दोबारा फिर से बेंड, तो फाइनली मैच जो होगा वो यहाँ पर। और प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप यूज करना कि जब मैं सर यहाँ तक पहुंचा था तब तक मैं इस रे के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करूँ, और जब मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड के अकॉर्डिंग यूज करूँ। अब बताओ क्या पूछ रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था, मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व करा कि मैंने जो पैरेलल बीम्स आ रही है ना रे ऑफ लाइट, उनको मान लिया कि वो ऑप्टिकल सेंटर पे कन्वर्ज कर रही हैं, फिर उसके हाँ बाद ठीक, मैंने मिरर उसके रिस्पेक्ट में फिर मिरर फॉर्मूला लगाया, तो वो ठीक होगा ऑप्टिकल सेंटर मतलब कहाँ पे आप बोल रहे हो। सर? ये सेंटर मतलब ये स्फेयर है जो इसके सेंटर पे मैंने कन्वर्ज करा दी हाँ सही है, ऐसा, फिर उसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या करा कि मिरर फॉर्मूला लगा दिया, जो हाँ वो ऑब्जेक्ट उधर मतलब उसके क्या कहते हैं मिरर के लिए वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, फिर उससे फिर मैंने एक वी निकाला, और फिर हाँ दोबारा जब फिर मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे फिर चलो एक मेरा बार ऐसा करना कि एक दो क्वेश्चन किसी और में आप यूज करके फाइनल ठीक फिर है सर। करना। अगर रिजल्ट टेस्टिफाई करता फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा कि वो कैसा सही आ रहा है ना, कि भाई कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के आंसर तो मैच कर जाता है, फिर वो जनरलाइज जब होगा तब तो हम बताएंगे, तब उसके बारे में सोचूंगा कि वैसे भी कर सर सकते हैं। ये पैरेलल रे ऐसे सेंटर पे क्यों कन्वर्ज करेंगी हाँ मतलब वो वही तो लॉजिक कोई नहीं लग रहा ना मुझे, इसलिए तो मैंने बोला सर? है वो तो जो लेकिन आई है वहां पे कन्वर्ज करेगी ना। वो मैंने उसको हाँ करा वही। निकाला। आप देखो आपने कुछ किया होगा तो उसको देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसके अकॉर्डिंग ये सही। सर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सॉल्यूशन इसका। हाँ ग्रुप पे डालना फिर मैं देखता हूँ, कहीं कोई अगर उसमें एरर हो गई या नहीं होगी तो मैं चेक कर लूंगा। कई बार क्या होता है कि उसमें कई बार कंसेप्चुअल एरर होती है, या एक में तो सही हो जाता है लेकिन भर में सही नहीं होता है, तो आप सोल्यूशन डालना मैं चेक कर लूंगा फिर आपको बताऊंगी कि उसको यूज कर रहे हैं नहीं। फिलहाल तो आप ऐसे करते हैं ना। तो इस तरह से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कैंसर है ना, तो ये सही है। चलो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी जो है ये सब प्लेन और स्फेरिकल सबका कॉम्बिनेशन है, प्लेन स्फेरिकल सबका कॉम्बिनेशन है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, साइन कन्वेंशन गलत नहीं करोगे तो अपना ऐसा आंसर सही है, मेन जो है वो साइन कन्वेंशन में ही गड़बड़ है। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी गलती से हट गया, मैं फिर से शेयर करता हूँ।
वेट फॉर अ मोमेंट, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है काफी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये थोड़ा सा स्किलफुल क्वेश्चन था ये, है ना। हम इसका आर निकालेंगे कितना, बाय द सिंपल यूजिंग स्किल्स, हम देखेंगे 1 sin 45 इज इक्वल टू रूट टू साइन आर, यहां साइन आर की वैल्यू जो आ गई वो हाफ आ जाएगी,
मतलब आर की वैल्यू 30 डिग्री, यहीं से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि 45 डिग्री के लिए तो कोई फॉर्मूला स्पेशल वैलिड नहीं है ना, जो भी हम इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो स्मॉल एंगल के लिए वैलिड, जो भी स्फेरिकल सरफेस प्लेन सरफेस की हम बात कर रहे हैं इसके लिए तो सिर्फ स्नेल्स लॉ वैलिड है। स्नेल्स लॉ से आपने आर निकाल लिया, जैसे आर 30 डिग्री आया ना, आप ये ध्यान रखना आप ये रे इस तरह से पैरेलल हो गए, रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी अगर एंगल 30 डिग्री, तो क्या पता है ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री आ गया है ना, तो अगर अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है तो ये हॉरिजॉन्टल तो होगी, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 होगा और 30 ऐड होगा तो 90 हो जाएगा नॉर्मल। तो ये बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि पहले सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद रे जो होगी वो हॉरिजॉन्टल या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब इससे फिर सेकंड आएगा कि फिर से यहाँ रिफ्लेक्शन होगा और रे जो जा रही है, अब आपको रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे, अब आपकी जो रे जा रही है वो ग्लास से लिक्विड में जा रही है, ग्लास से किस में जा रही है, लिक्विड में, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू है और जो लिक्विड है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 5.4 दिया है, रूट टू की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 1.414, हाँ तो ये आपका हो गया 1.514 आ गया, हाँ उसी उसने 1.514 दिया हुआ, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए, हाँ तो यहाँ से आपने लिया इस तरह से, तो आप ध्यान दो कि आप जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये तो हो गया 1.514 बाई वी आपको निकालना था, यू 1.414 बाई यू तो इंफाइनाइट हो गया, मेरे तो पैरेलल हो गए ना, इसको टू मी टू माइनस मी वन बाई आर, 1.514 माइनस 1.41 बाई आर, आर इसका पॉजिटिव होगा और आर आपको 0.4 मीटर दिया, मीन्स 40 सेंटीमीटर दिया होगा, तो इससे आप वी निकालो कितना आ रहा है ना, तो जो वी होगा इस तरह से अगर ये कन्वर्स हो रही है यहाँ पे कहीं पे तो वी ही तो इसने पूछा हुआ है, अल्टीमेटली अगर ये ओ है और ये अगर क्यू है ये डिस्टेंस ही तो वी होगा, तो इससे वी आप निकालो देखो कितना जो वी है वही आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना, तो इससे भी आपका सॉल्व कर लोगे आप, मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन में मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी की वैल्यू जो है वो ये है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, तो मेन ऑब्जर्वेशन वही था कि रे उसके अंदर पैरेलल हो गई, तो उसी से सारा क्वेश्चन क्या करना है आपका निकाल, ये जो होगी वो आपके पैरेलल हो गई, तो इससे अभी कैंसिल कर ये भाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक इसके आंसर मेरा समझ सकते हैं, दैट इज ऑल फॉर टुडे है ना, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द लेंस, पास तो जस्ट हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द थिन लेंस, तब तक आपका मेजर टेस्ट भी हो जाएगा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर।